इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल क्या सुनाया गया था? ये वक्ता का अनुशासन है कि वो यजमान श्रोता से पूछकर आगे की कथा सुनाए। आचार्य श्री बताएंगे कल कहाँ तक भया रहा। शिव विवाह हो गया, पधारा जाए। विवाह परमार्थ यात्रा की प्रवेशिका है। विवाह, बिना विवाह आप यज्ञ आहुति नहीं समर्पित कर सकते। गृहस्थाश्रम स्वयं में एक यज्ञ है, इसलिए पंच महायज्ञों का यजन गृहस्थी के प्रवेश पर ही संभव हो पाता है, ऐसा स्मृतियां कहती हैं। याज्ञवल्क स्मृति, व्यास स्मृति और पराशर स्मृति हमारी मार्गदर्शक हैं। मनुस्मृति सिद्धांत ग्रंथ है, सनातन धर्म की पहला जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। भारत का संविधान 60% मनुस्मृति से आधार लिया गया। दोनों का समन्वय करेंगे इस पर बड़े ग्रंथ बने हैं। दोनों का समन्वय करेंगे तो पता चलेगा जो श्रद्धेय प्रथम राजा मनु जी महाराज ने दिया वही सब लेकर चल रहे। मनुस्मृति के सिद्धांत पक्ष कठोर है, व्यवहार पक्ष सरल है। कल की एक पंक्ति आपने हमने गाई, जब ही शंभु कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक चराए, जगत मा उत्पित शंभु भवानी ते सिंगार कहउ बखानी कर ही विविध विध भोग विलास। भोग विलास भगत का भजन भोग है और सामान्य जीव का विषय भोग है। भगत का भजन भोग है, सामान्य जीव का विषय भोग। सुभाषित की एक श्लोक में बड़ा सुंदर सिद्धांत पक्ष है। पहली अर्धाली तो लोग याद रखते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम, सौ काम छोड़कर खाना खाओ। इससे आगे भी है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए। पहला लोग इसलिए स्मरण रखते हैं कि पहला हो गया तो शेष तो होता ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके नीचे की पंक्ति है, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए। और आगे है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, संसार का सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। चूंकि ये अंतिम चरण अंतिम स्थल पर है इसलिए इस पर सहज ध्यान नहीं जाता, यथार्थ यही है। और ये प्रकाश है, बहुत भावन भगवान शिव। घडानन महाराज कार्तिकी स्वामी का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति भय तारका सुर का अंत किए, दक्षिण में ही रह गए। विधि है जिसको जो काम दिया जाए वो उस काम में रमता रहे। मनु थोड़ा लिप्त हो जाए प्यार से, नारायण यजमान जी का ध्यान रखो, तुमको भी दक्षिणा इनसे ही मिलनी। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, जब तक जगत के व्यवहार पक्ष में है व्यवहार में रहिए, शेष तो भजन में रहिए। 3 बात हमारे आपके लिए थाती है जो हमारी अपनी निज संपदा है।
पहला परमार्थ, दूसरा धर्माचरण, तीसरा शुद्ध मन। ये प्रॉपर्टी जिसके पास है वो सबसे धनवान है। परमार्थ में गति हो हमारी मति की, आचरण धर्म सम्मत रहे हमारा, और मन शुद्ध हो। क्यों? मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणियो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसलिए गोस्वामी जी बार बार मन को रमाते हैं। इसलिए वो शरणागति काटे। मन भगवान में, मन भजन में, मन भगवत धाम में, मन भगवत तीर्थ में। साधक लोग कहीं भी रहते हैं, मन से तीर्थ में रहते हैं। बाबा गृहस्थ का कार्य पूरा हुआ, देवकार संपन्न हुआ, उठाए आसन निज कर दासी नागरे पुछाला, नागरे पुछाला बैठे सहज शंभु पार्वती भलया सरुजानी, पार्वती भलया सरुजानी, शंभो पै मातो भवानी, भगवती पार्वती भोलेनाथ के पास गई, गई शंभु पहीं। कौन? अतमात भवानी। शिव जी ने माँ भगवती को आते देखा तो बड़ा आदर किया। देखिए, निरादर तो किसी का नहीं करना चाहिए, परंतु मनुस्मृति के अनुसार पुत्र पिता की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा। अस्तु। अब ये पढ़ाई लिखाई ऐसी हो गई आजकल की दो इकाई हो गई है। पहले के समय में तो लोग जानते नहीं थे कौन है, या तो फला का घर है और फला मालिक है, फला से पूछ लो, वही चलता था। आज का समय ऐसा आ गया कि हर आदमी एक अलग इकाई बना बैठा है। एक इकाई नहीं, इकाई एक ही है तत्वतः। तो कभी कभी यहां प्रेरणा लेकर, कभी कभी नहीं सर्वदा, घर की जब भी चर्चा हो तो श्रेष्ठ पुरुष को अपनी अर्धांगिनी की प्रशंसा करते रहना चाहिए। हम करते हैं ना, मां मंत्र है। घर किसका? तो घरनी का। जब विवाह के बाद मर्यादा बारात में होती थी तब मैंने कक्षा 8 में याद किया था इसको। कर कर से कंगन, कंगन से कर भट्ट जी बोलता, कर से कंगन, चैनपुर चैनपुर, कर से कंगन, कंगन से कर, कर कंगन से शोभा कर की, कर से कंगन, कंगन से कर, कर कंगन से शोभा कर की, आ घर से घरनी, घरनी से घर,
घर से घरनी, घरनी से घर, घर घरनी से शोभा घर की। घर से घरनी, घरनी से घर, घर घरनी से शोभा घर की। बाबा के सन्मुख माँ गई तो बाबा ने बड़ा आदर किया, जानी प्रिया आदरो अति की प्रातस्मणी श्री कोदर वाम जी महाराज की मानस प्रति में ये श्लोक जो यस्यांग के है वहां लिखा है, वामांगे च विभाव उदर सुदा। बाबा ने वामांग में माँ को आसन दिया, माता जी गदगद हो गई। क्यों? पूर्व जन्म कथा चित आई, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने उसती जगतपति जागे, जाय शंभुपद वंदन कीना, तब सन्मुख शंकर आसन। सन्मुख आसन श्रेष्ठ को दिया जाता है। हम जिसका आदर करते हैं उसको सन्मुख बिठाते हैं, अपने से ऊपर बिठाते हैं। तो यहाँ कितनी सुंदर मर्यादा है, प्रिया है जानकर बाबा ने आदर दिया और वामांग पे आसन दिया। माई गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। भरद्वाज जी डर गए। क्यों? पिछली बार देखिए कथा, आप सब लोग कथा कितनी श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। मैंने पहले दिन ही प्रार्थना किया था, 20 मिनट सुनिए, 30 मिनट सुनिए, 3 घंटा सुनिए, जितनी देर सुनिए कथा सुनिए। चंदन हमसे 5 वर्षों से कह रहे थे, कहाँ है चंदन तिवारी? 5 वर्षों से कह रहे थे कि महाराज श्री डॉक्टर अनुपम दुबे जी बड़े ही सज्जन महापुरुष हैं, आप चलिए। हमने कहा भैया देखो अब गांव में कथा करना बंद कर दिया, यही कहते थे ना, जिला से नीचे हम जाते नहीं। और वहाँ बाबू जा रहे हैं तो फिर जाते रहेंगे, अनेक महापुरुष आए गए आते रहेंगे जाते रहेंगे। बाबू ने कहा नहीं सरकार, डॉक्टर साहब आपको सुनना चाहते हैं। हमने कहा चलो चलते हैं, जून का महीना रहेगा, हम भी जून में आनंदे में रहते। तो मैं आया हूँ आप सबको सुनाने के लिए, डॉक्टर साहब निमित्त मात्र हैं बहुरानी के संग में, तो प्लीज़ सुनने का प्रयास किया जाए, जितनी देर आप सुन सको। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पूरा देर बैठो, लेकिन जितनी देर सुनिए सुनिए, घंटा दो घंटा आध घंटा, क्योंकि कथा ही कल्याण करेगी। ए व्यवस्था तो चलती रहती है, संसार है व्यवहार है। मेरे बाबा माँ का आदर किए, भरद्वाज जी डरे, पिछली बार गई थी कथे रुक गई, इस बार फिर आई, याज्ञवल्क्य ने तत्काल समाधान किया, इस बार प्रश्न करने नहीं आई है। फिर कथा जो सकल लोक हित का चह शैल को। फिर शिवर जो कथा सब लोगों का मंगल करती है, कथा जो सब लोगों का हित करती है, केवल मृत्यु लोक नहीं, ध्यान रखिएगा, कथा यहां सुन रहे हैं तो जब परमात्मा के परम धाम अथवा स्वर्ग किसी लोक में जाएंगे, ये कथा आपका कल्याण करेगी ही, हमारा कल्याण करेगी ही। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।